शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम पर हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे बने, ये ब्राह्मण जीवन मिला और ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्र जीवन। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने हम बच्चों को दो वरदान दिए, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। ये दो वरदान हम सबके जीवन में एक पुरुषार्थ का मार्ग खुल गया, जिससे हम सभी ने अपने पवित्रता को अपनाते हुए संपूर्ण जीवन में पवित्र बनने का एक लक्ष्य ले लिया। मन वचन कर्म से बाबा के महावाक्यों को संपूर्ण जीवन में पालन किया, तो आज के बाबा के अभ्यक्ति सारे हैं, जिसकी मुख्य हेडिंग है पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी और पर्सनालिटी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी और पर्सनालिटी। संगम की ब्राह्मण जीवन की विशेष पवित्रता है प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है, यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयलिटी और पर्सनालिटी है। प्यूरिटी की रॉयलिटी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। व्रती में शुभ भावना, शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। बाबा ने हम सब बच्चों को ये अभ्यास कराया कि बच्चे अंदर की अपनी दृष्टि और व्रती में संपूर्ण पवित्रता को अपनाते हुए उसका मुख्य आधार दिया कि बच्चे आत्मा के रूप में सबको देखो, तभी आपकी ये दृष्टि व्रति शुद्ध होती जाएगी और पवित्रता जीवन में सहज आ जाएगी। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। कितना भी कोई कुछ भी कहे, आप शब्द बोले, गाली दे या इंसल्ट करे, तो भी बाबा ने क्या कहा कि आप सहनशीलता की देवी, सहनशील देव बन जाओ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और चार भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवं रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। बाबा ने कहा कि बच्चे संपूर्ण पवित्रता को अपने जीवन में धारण कर लो, तो ये प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है कि कब हमारे उस सृष्टि पर आने वाले देव देवताएं अपने संपूर्णता को प्रत्यक्ष करें। ये हमारा इंतजार है कि कब तैयार हो जाएं और कब हम उनका सम्मान करें।
ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। बाबा ने कहा कि आपकी संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना संपूर्ण पवित्रता, जब आप आ जाएगी तो आपकी ये संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी एक रॉयल्टी के रूप में दिखाई देगी, जिससे सारी दुनिया आपकी तरफ आकर्षित करेगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी से भी आपको छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। ऐसे रॉयल शुद्ध संस्कार, हमारे जो पवित्र संस्कार हैं, ये हमें भविष्य रॉयल फैमिली में पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार ही है पवित्रता, अथवा आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम की प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य देव पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। बाबा ने बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन में हमारा जीवन का एक पोशाक कहें, ब्राह्मण जीवन का आधार कहें, यह है ही पवित्रता। स्वर्ग में जाने का एक पासपोर्ट कहें पवित्रता है। इसके बिना हम इस जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसलिए बाबा ने सबसे पहले पवित्रता का वरदान देकर के बच्चों को आगे बढ़ाया। ज्ञान का फाउंडेशन ही पवित्रता है, योग का आधार पवित्रता है, सेवाओं का आधार पवित्रता है, क्योंकि यही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यद वरदाता और वरदानी दोनों का समीप संबंध समीप और स्नेही के आधार से निरंतर हो और सदा कमांड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, इसलिए बाबा ने कहा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड रूप में रहने से माया आपके पास तक नहीं आ पाएगी, आपकी पवित्रता को भंग नहीं करेगी। ब्राह्मणों की लाइफ, जीवन का जिए दान पवित्रता है। ब्राह्मणों की लाइफ, जीवन का जिए दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। आदि स्वरूप हमारा पवित्र देवपद है और अनादि स्वरूप आत्मा पवित्र स्वरूप है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थि आना, स्मृति आ जाती है तो शक्ति स्वतः ही आ जाती है, हम आत्माएं समर्थिवान बनते जाते हैं। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है।
जीवन ही है जो हम बच्चों को मिला है संगम पर, इसका विशेष आधार पवित्रता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। और स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ, यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। बाबा कहते तो जो चीज वरदान में मिल जाती है वो सहज और स्वतः हो जाती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा ने ये जो जीवन की मुख्य धारणाएं बताई हैं तो इसमें हमारे जीवन में इनमें मेहनत बिल्कुल नहीं, सहज और स्वतः जीवन हो जाती है, क्योंकि वरदान के रूप में ये सब हमें मिला है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। बाबा ने और आगे सरल कर दिया है कि बच्चे आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश हमारा पवित्र है। स्वराज्य हमारा पवित्र राज्य है, क्योंकि स्वर्ग माना ही पवित्रता। स्वर्ग का राज्य पाने के लिए पवित्रता मेन है। तो अपना ये स्वकर्म भी, श्रेष्ठ कर्म भी बिना पवित्रता के नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सब चीज़ें जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पति दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्मा को शीतल बना देती है। पवित्रता वो महान शक्ति है जो बाबा ने कहा कि कैसी भी दुनिया की आत्माएं आपके सामने आएं और एक पवित्र दृष्टि से वो आत्माएं भी अपने अंदर की भावनाओं को बदल करके आपके सामने परिवर्तन दिखाई देंगी। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि को भी समाप्त करती है। कैसी भी विकारी आत्मा आए, कैसी भी तड़पती हुई आत्मा आए, लेकिन आपके उस शांत और पवित्रता के वाइब्रेशन से वो आत्मा दूर से ही शांत और शीतल हो जाती है और वो झुक जाती है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव बाबा ने कहा शीतल और शांत होता जाता है। कर्मेंद्रियां भी शांत होती जाती हैं जो आपके जीवन में हलचल नहीं लाने देती हैं, स्वभाव भी शीतल होता जाता है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्म जन्मांतर के बंधन में हम सब आत्माएं बंधी हुई, उन सब कुछ से छुड़ाने के लिए मुख्य पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है, जिसको बाबा कहते आज के संत महात्माएं जिन्होंने द्वापर युग में अपनी पवित्रता को धारण किया, उस आधार से फिर भी आज तक वो सृष्टि को चलाते आए,
और लेकिन आपकी उस पवित्रता के आधार से उन्होंने उसका सम्मान रखा और आज की दुनिया को थमा करके चला रखा। लेकिन अब समय के अनुसार सृष्टि अपनी तमो प्रधानता पर जा रही है, तो ऐसे समय पर परमात्मा की ही आवश्यकता है, जो परमात्मा आकर के फिर से सृष्टि को नया जीवन और नई दुनिया बनाने का एक बहुत बड़ा कदम बाबा ने आकर के हम बच्चों से उठवाया। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। बाबा कहते पवित्रता वो महान शक्ति है, पवित्रता वो लाइट का फोकस है, पवित्रता वो एक क्राउन है जिसको आप धारण करे रहेंगे तो आप सब जगह पर फिर हर तरह से बचते रहेंगे और अनेकों को भी बचाते रहेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। बाबा ने शुरू में पवित्रता जीवन में पवित्रता के लिए कहा, दृष्टि वृत्ति के लिए कहा, अब बाबा संपूर्ण पवित्रता को ध्यान में देते हुए बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब सब तरह से बेहद के वैरागी बनो और संपूर्ण पवित्रता जिसे कहते हैं निर्विकारी आत्मा, निर्विकारी जीवन में पवित्रता अपनाई फिर आत्मा भी अपनी संपूर्ण स्टेज को पाते हुए पवित्रता को सामने रखा। तो बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले ब्रह्माचारी बनो। जीवन में ब्रह्मचर्य ही नहीं अपनाओ, लेकिन साथ साथ में ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में जो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और जो जीवन में कदम शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार उठाए, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्माचारी बनो। पवित्रता सुख शांति की जननी है, जहां पवित्रता है वहां दुख अशांति आ नहीं सकती। पवित्रता एक माँ है, सुख शांति बच्चे हैं, बिना माँ के बच्चे कैसे। तो इसलिए जहां पवित्रता हम सबसे छूटी तहाँ ये सुख शांति भी दूर हो गई। तो अब बाबा ने सबसे पहले पवित्रता को धारण करवाया तो जीवन में सुख शांति स्वतः आ गई। तो चेक करो सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। बाबा ने जो सब कुछ दिया है हम बच्चों को, अब बाबा कहते बच्चे अपने अंदर चेक करो कि सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं, अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। मैंने कहा चेक करो कि आपकी अंदर की स्थिति कैसी है, हलचल में आती है, कोई भी बातें आती परिस्थिति आती है तो क्या क्यों में चले जाते हो कि सुख की सैया में आराम से स्थिति बना करके निश्चिंत रहते हो। फिर आगे बाबा ने कहा जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना देखना चलना खाना पीना उठना बैठना हर कर्म से सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। जीवन में प्यूरिटी के साथ साथ रॉयल्टी भी आ जाती है और रॉयल्टी एक ऐसी है जो जीवन में सभ्यता को सामने लाती है। तो कैसे सभ्यता है वो बाबा ने
उठना बैठना चलना देखना व्यवहार में आना, वो सभ्यता हमारी उस रॉयलिटी को सामने रखती है और रॉयलिटी का आधार ही पवित्रता है। रूहानी रॉयलिटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयलिटी की झलक और फलक आपके रूप का व चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। रूहानी रॉयलिटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयलिटी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में ये रूहानी रॉयलिटी दिखाई देती है। बाबा ने कहा दर्पण में देखो, बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान का दर्पण दिया है इसमें देखो कि कहाँ तक हमारे चेहरे और चलन में रूहानी रॉयलिटी है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। देखो, चेक करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं हैं उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। उनका हर बोल युक्ति युक्त व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। तो ऐसी रूहानी रॉयलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने इतना पवित्रता का महत्व दिया है कि जब जीवन में आप ऐसे धारण करेंगे पवित्रता को, तो आपके जीवन में रूहानी रॉयलिटी दिखाई देगी और रूहानी रॉयलिटी ही आपके जीवन की पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ओम शांति।